नमस्कार दोस्तों, आज हम जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन भर्ती परीक्षा 23 दिसंबर 2012 के पेपर का आगामी हल करेंगे, जो पिछले वीडियो में हल किए उनसे आगे के प्रश्न हल करेंगे। तो अपना आज के जो प्रश्न है वो है, एक मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगी जो 50 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ 6 पोल की व्यवस्था हो। यानी एक मोटर की तुल्यकालिक गति पूछी है, एफ दे रखा है और पी दे रखा है। यानी एफ बराबर 50 हर्ट्ज है और पोलों की संख्या पी बराबर दे रखा है 6। तुल्यकालिक गति सिंक्रोनस गति एनएस पूछी है, एनएस बराबर क्या होगा। तो देखो सूत्र क्या होता है कि एफ ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एफ बराबर होता है पी एन बट्टा 120। यदि एन ज्ञात करना हो तो एन बराबर हो जाएगा एफ इंटू 120 बट्टा पी। एफ का मान क्या है, 50 इंटू 120 बट्टा 6 दुनी 12 20 500 RPM। तो इस मोटर की गति क्या हो जाएगी, 1000 RPM। यानी एक 50 हर्ट्ज पर दो यानी 50 हर्ट्ज आपूर्ति दे रखी हो तो दो पोल पर 3000 RPM होती है, 4 पोल पर 1500 होती है, 6 पोल पर 1000 होती है। यदि 8 पोल पूछ ले तो 750 RPM होती है, 10 पोल पूछ ले तो 600 RPM होती है। यानी 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर ये फिक्स ही है, मान लो ज़्यादातर यही पूछते रहते हैं एग्जाम में, 4 पोल 2 पोल 6 पोल 8 पोल। तो देखो 6 पोल की कितनी हो गई, हल करके निकालते तो 1000 RPM। तो राइट आंसर क्या हो गया, 1000 RPM। अगला क्वेश्चन है, एक गीजर के ताप स्थाई को बदलना है, इसमें ताप स्थाई को आप हीटिंग एलिमेंट से कैसे जोड़ोगे। यानी एक हीटर है उसके अंदर थर्मोस्टेट मान लो चेंज करना है, तो थर्मोस्टेट किस प्रकार से जुड़ा होता है, हीटर की जो हीटिंग कॉइल होती है उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। तो देखो गर्म ऑप्शन में देखो क्या है कि गर्म तत्व के श्रेणी क्रम में, यानी गर्म तत्व को ऐसे क्या हो गया हीटिंग एलिमेंट, तो सही है, गर्म तत्व के समांतर क्रम में नहीं, एसी टर्मिनल के सामने डीसी टर्मिनल के सामने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट यानी गर्म तत्व के श्रेणी क्रम में, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करते हैं, यानी इनमें से किसका मापन करने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखो ऑप्शन, धारा मापने के लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं, शक्ति मापने के लिए वाट मीटर प्रयोग करते हैं, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं, तो शक्ति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाट मीटर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से इसका निर्माण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह से किसका निर्माण होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर धारा कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह से धारा का निर्माण होता है यानी धारा, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर यानी धारा कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक के मामले में यह जरूरी है कि सभी बारों पर उसको स्थिर गति पर चलाया जाता है ताकि, यानी एक प्रत्यावर्तक को सभी बार पर गति स्थिर क्यों रखी जाती है, क्योंकि अब देखो प्रत्यावर्तक की गति से क्या प्रभावित होता है यही देख लो, यानी फिर आवर्ती और एप इन दोनों में समानुपाती का संबंध रहता है ना, तो एप समानुपाती एन यानी इसी सूत्र से निकाल लेते हैं। तो प्रत्यावर्तक की आवर्ती गति के समानुपाती रहती है, अतः यदि गति में परिवर्तन होगा तो आवृत्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा, अतः स्थिर गति पर प्रचलित किया जाता है ताकि आवृत्ति भी स्थिर बनी रहे। तो ऑप्शन देख लो, आवृत्ति नियत बनी रहे, एम्पलीट्यूड नियत बना रहे,
फेज नियत बना रहे, वोल्टेज लगातार बना रहे, तो आवृत्ति स्थिर रखने के लिए प्रत्यावर्तक को एक नियत गति या स्थिर गति पर प्रचलित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, आवृत्ति नियत बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, अर्थ का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 20 वोल्ट परीक्षण वोल्टता का प्रयोग किया जाता है, किलों के विभिन्न दूरियों के अधीन चार परीक्षण किए गए, यानी जो प्रोब्स है किलों का, ऐसे क्या हो गया प्रोब्स, तो प्रत्येक परीक्षण में मापित धारा 3.8 एम्पियर, 1.9 एम्पियर, 2.6 एम्पियर और 3.1 एम्पियर है, प्रतिरोध क्षमता का परिमाप परिणाम क्या माना जाए, यानी अब जो परिणामी प्रतिरोध है वो क्या होगा। तो हम यानी अलग अलग प्रतिरोध मापन करते हैं, तो परिणामी प्रतिरोध अर्थ का जो प्रतिरोध होगा औसत होगा, यदि तीन जगह तीन है तो तीनों का औसत होगा, चार है तो चारों का औसत होगा, तो इसमें चार है तो इन चारों मानों का औसत मान हम उसका परिणामी प्रतिरोध या सेम ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा चारों मानों का औसत किस में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्ट्रिक मशीनरी में वायरिंग सिस्टम में इन तीनों रंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी मशीनरी की वायरिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन से कलर प्रयोग किए जाते हैं, तो थ्री फेज प्रणाली में तीनों कलाओं के रंग कौन कौन से होते हैं, आर वाई बी, यानी आर वाई और बी, यानी रेड येलो ब्लू, तो लाल पीला और नीला, तो कौन कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं, लाल पीला और नीला, ए ऑप्शन में है, तो तीनों रंग पूछ रखे तो तीनों यही रहेंगे, यदि अर्थ का भी पूछ लेता तो हरा होता फिर अर्थ के लिए, यानी उदासीन बिंदु सॉरी जो ग्राउंड बिंदु लेते हैं उसके लिए हरा होता, तो उसके लिए हरा, तो बाकी क्या हो गया लाल नीला व पीला। अगला क्वेश्चन है, किसी परिणामी मीटर में प्रति वोल्ट वर्तनों की संख्या 8 है, प्राथमिक वोल्टता 110 वोल्ट है, यदि द्वितीयक वोल्टता यानी V2 25 वोल्ट हो तो प्राथमिक व द्वितीयक की लपेटन संख्या यानी NP व NS क्या होगा। देखो क्या दे रखा है प्रश्न में, क्या दे रखा है, किसी परिणामी मीटर में प्रति वोल्ट वर्तनों की संख्या यानी एक वोल्ट के लिए लपेटन संख्या 8 है, यानी प्रति वोल्ट लपेटन संख्या तो N/V बराबर दे रखा है, N/V यानी N/V बराबर दे रखा है 8। प्राथमिक वोल्टता 110 वोल्ट है, यानी प्राइमरी वोल्टेज 110 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज VS या V2 कितना है 25 वोल्ट है, ज्ञात क्या करना है प्राइमरी लपेटन और सेकेंडरी लपेटन ज्ञात करने लपेटनों की संख्या, तो देखो N/V बराबर है 8, तो हम कह सकते हैं कि N/V बराबर 8, यदि प्राइमरी है तो NP/VP बराबर 8, सेकेंडरी है तो भी NP/NS/VS बराबर 8, यानी सेम ही रहेगा दोनों में, तो NP/VP बराबर है 8। अब ज्ञात क्या करना है NP, VP दे रखा है 110, तो देखो इसको पक्षांतरण कर लो, NP बराबर क्या हो जाएगा VP इंटू 8, तो NP बराबर क्या हो जाएगा VP का मान कितना है 110 इंटू 8 कितना हो गया 880 लपेटन या टर्न्स, 880 टर्न्स। अब दूसरा NS ज्ञात करना है, इसी से हो जाएगा NS बराबर हो जाएगा VS इंटू 8, क्योंकि NS/VP बराबर 8 और NS बराबर हो जाएगा VS इंटू 8, तो सेकेंडरी लपेटन बराबर हो जाएगा सेकेंडरी वोल्टेज कितने हैं 25 इंटू 8 कितना हो गया 200 लपेटन,
तो सेकेंडरी लपेटन कितने हो जाएंगे 200। तो प्राथमिक लपेटन कितने होंगे 880 लपेटन, द्वितीयक लपेटन कितने होंगे 200। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये दे ही नहीं रखा है, यानी प्राथमिक और सेकेंडरी लपेटन किसी ऑप्शन में नहीं है कि 880 और सेकेंडरी 200 है। तो जबकि राइट आंसर क्या होगा इसका, प्राथमिक में 880 लपेटन और सेकेंडरी में 200 लपेटन। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 0.5 के अनुसार औजार की यथार्थता का वर्गीकरण क्या दर्शाता है। वर्ग 0.5, देखो मापक यंत्रों को वर्ग के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है स्पष्ट या लेब मापक उपकरण, उसका वर्ग होता है 0.1, 0.2 और 0.3। एक होता है पोर्टेबल या लेब मापक यंत्र, उसका होता है 0.5। एक होता है औद्योगिक एवं पैनल मापक उपकरण, उसका होता है 1.0, 1.5 और 2.5। अब इसमें क्या पूछा है 0.5, तो 0.5 होगा पोर्टेबल या लेब मापक उपकरण का। तो क्या हो गया, किसमें पोर्टेबल एवं लेब मापक उपकरण, सी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, यानी 0.5 किसका है, पोर्टेबल एवं लेब मापक उपकरण का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वाट और 60 वाट के श्रेणी लैंप 220 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कौन सा लैंप तेज रोशनी देगा। यानी दो लैंप है, एक तो है 100 वाट और दूसरा है 60 वाट, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कौन सा लैंप तेज रोशनी देगा। मान लो एक लैंप है 100 वाट और एक लैंप है 60 वाट, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, आपूर्ति वोल्टता है 220 वोल्ट, पूछ रखा है कि कौन सा लैंप तेज चलेगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहेगा, वोल्टता का मान अलग अलग रहेगा। अब इनका प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा उस पर वोल्ट खपत ज़्यादा होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उस पर वोल्टता खपत ज़्यादा होगी। तो देखो इन दोनों में से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जिस लैंप की वाटता कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी लैंप के अंदर जिसकी वाटता कम होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो निश्चित है कि इसकी वाटता कम है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसके अक्रॉस वोल्ट खपत भी ज़्यादा होगी। तो धारा तो समान है और वोल्ट खपत इस पर ज़्यादा हो जाएगी, इसके अपेक्षा इसकी वोल्टता खपत ज़्यादा होगी, फलस्वरूप तेज रोशनी देगा। तो कौन सा लैंप तेज रोशनी देगा, 60 वाट का लैंप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 वाट का लैंप तेज रोशनी देगा, सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में रेगुलेशन का प्रतिशत इससे दर्शाया जाता है, यानी वोल्टेज रेगुलेशन किस का सूत्र पूछा है, VR ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर VR बराबर, ट्रांसफार्मर हो चाहे अल्टरनेटर हो चाहे जनरेटर हो, इन में सभी में VR ज्ञात करने का सूत्र एक ही है कि VR प्रतिशत में, यानी VR इन प्रतिशत बराबर होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड बट्टा V फुल लोड इनटू 100। यानी VR या वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड वोल्ट माइनस फुल लोड वोल्ट बट्टा फुल लोड वोल्ट इनटू 100। तो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, VNL माइनस VFL बट्टा VFL इनटू 100। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रांसमिशन लाइनों के बीच की दूरी का माना जाता है। यानी दो लाइनें हैं, ट्रांसमिशन लाइनें मान लो कोई भी दो लाइनें पास पास से गुजर रही है, यानी दो चालक है लाइनों का, उनके बीच माना जाता है, यानी इन दोनों के बीच क्या विद्यमान हो जाता है, इंडक्टिव रिएक्टिव कैपेसिटिव या प्रतिरोध। तो देखो कैपेसिटेंस विकसित हो जाता है इन दोनों लाइनों के बीच। कैपेसिटर कैपेसिटेंस की परिभाषा क्या है कि कोई दो चालक प्लेटों को अचालक से पृथक कर देते हैं तो उसके बीच आवेश एकत्रित करने का गुण विद्यमान हो जाता है, यह आवेश कैपेसिटेंस कहलाता है, रियुक्ति कैपेसिटर कहलाता है। तो इस प्रकार से
ये दो लाइनें हैं इनके बीच में आवेश एकत्रित हो जाता है तो ये कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर की बातें काम करने लग जाती है, तो ये क्या हो गया कैपेसिटिव। तो राइट आंसर क्या हो गया सी कैपेसिटिव। अगला क्वेश्चन है, दी गई 10 वोल्ट की वोल्टमीटर रीडिंग और 1 एम्पेयर की एमीटर रीडिंग की मीटर का प्रतिरोध क्षमता होगा, यानी कोई परिपथ है उस परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक तो कह रहा है कि 10 वोल्ट है, यानी V बराबर क्या है 10 वोल्ट, और I बराबर क्या है एम्पेयर मीटर का पाठ्यांक कह रहा है कि 1 एम्पेयर है, तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर क्या है, R बराबर होता है V अपॉन I, V का मान कितना है 10, I का मान क्या है 1, तो कितना हो गया 10 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 ओम, किसमें ए ऑप्शन में, तो राइट क्या हो गया ए 10 ओम। अगला क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध आर के लिए जोड़ पर टांका लगाया जाता है, यानी जोड़ पर जो शोल्डरिंग की जाती है वो क्यों की जाती है, तन्य रहने के लिए, प्रतिरोध के लिए, लचीलापन के लिए, चालकता के लिए, तो शोल्डरिंग हमेशा चालकता बढ़ाने के लिए की जाती है, यानी शोल्डरिंग करने से यानी जोड़ पर शोल्डरिंग करने से चालकता बढ़ जाती है, तो राइट आंसर क्या हो गया चालकता। अगला क्वेश्चन है, पेन छोर और उपस्कर स्थानांतरण करते समय प्रमुख प्रकार से क्या शर्त हो सकती है, यानी कोई भी ऐसा भार जिनके जो किनारे हैं वो नुकीले हैं यानी पेन छोर है, तो उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर रहे हैं तो हमें क्या हो सकता है, सुरक्षा के प्रति लापरवाही, असावधानी, तंग कार्यस्थल, चोट व खरोंच, तो इससे चोट या खरोंच लग सकती है हमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चोट या खरोंच। अगला क्वेश्चन क्या है, किसे बदलने पर डीसी मोटर की दिशा नहीं बदली जा सकती, यानी डीसी मोटर की दिशा नहीं बदली जा सकती किसको बदल कर। अब देखो डीसी मोटर की दिशा, डीसी मोटर में फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम या वाम हस्त नियम काम लेते हैं, ये है मोटर के अंदर यानी अंगूठा मोटर के अंदर घुमाव की दिशा मोशन, प्रथम अंगुली फ्लक्स की दिशा दर्शाएगी और द्वितीय अंगुली धारा प्रवाह की दिशा दर्शाएगी, यानी फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से हम ज्ञात करते हैं। तो देखो अब इसे बदलना है, घुमाव की दिशा को बदलना है तो या तो इसको बदलेंगे या इसको बदलेंगे, यानी इन दोनों में से किसी एक को बदलने पर घुमाव की दिशा बदल जाएगी, यदि इन दोनों को एक साथ बदल देंगे तो घुमाव की दिशा है वही रहेगी यानी पूर्व अनुसार ही रहेगी। अब ऑप्शन देखो, क्षेत्र के कनेक्शन बदलने पर यानी ऐप फील्ड के कनेक्शन बदल रहे हैं तो ऐप बदलेगा और ऐप बदलेगा तो घुमाव की दिशा बदल जाएगी, तो इससे तो बदल रही है। आर्मेचर कनेक्शन परस्पर बदलने पर, आर्मेचर कनेक्शन बदलने पर आर्मेचर में धारा प्रवाह की दिशा बदल जाएगी, करंट यानी धारा प्रवाह की दिशा बदलने पर घुमाव की दिशा बदल जाएगी। अगला है मोटर वाइंडिंग के कनेक्शन परस्पर बदलने पर, यानी मोटर वाइंडिंग के कनेक्शन आपस में बदल रहे हैं यानी प्लस की जगह माइनस की सप्लाई दे रहे हैं, माइनस की जगह प्लस की सप्लाई दे रहे हैं, तो ये बदलने पर ऐप भी बदल जाएगा और सी भी बदल जाएगा, यानी फ्लक्स की दिशा भी बदल जाएगी, धारा प्रवाह की दिशा भी बदल जाएगी, दोनों एक साथ बदलने पर मोटर की घुमाव डायरेक्शन नहीं बदलेगी, यानी एक इसके कारण विपरीत होगी तो इसके कारण विपरीत की विपरीत यानी पुनः पूर्व अवस्था हो जाएगी, तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी। क्षेत्र या आर्मेचर में किसी के कनेक्शन परस्पर बदलने पर, यानी या तो क्षेत्र या आर्मेचर इन दोनों के किसी एक के बदलने पर तो भी बदल जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी मोटर वाइंडिंग के कनेक्शन बदलने पर मोटर डीसी मोटर की घुमाव की दिशा नहीं बदलेगी, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, स्रोत से संकेत के ट्रांसमिशन हेतु प्रतिबाधा भारित करने के लिए, ऑप्शन देखो, स्रोत भार के अनुरूप होना चाहिए, स्रोत भार के अनुरूप नहीं होना चाहिए, स्रोत उच्च प्रतिबाधा करता है, भार कम प्रतिबाधा प्रदान करता है,
तो सही क्या होगा, स्रोत बाहर के अनुरूप होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, यानी जो स्रोत है वो उस बाहर के अनुरूप ही होना चाहिए, बाहर के अनुरूप ही आपूर्ति प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर की नाम पट्टिका पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 किलोवाट 1000 आरपीएम व 12 एम्पियर दर्शाता है, रेटिंग भार पर टॉर्क क्या होगा। टॉर्क पूछा है, अब देखो क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले, प्रश्न में जो दे रखा है वो क्या क्या है, वो आपूर्ति वोल्टता का मान क्या है 400 वोल्ट, यानी VL बराबर क्या है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, F बराबर क्या है 50 हर्ट्ज, 5 किलो वाट आउटपुट शक्ति क्या है, आउटपुट शक्ति है 5 किलोवाट या 5000 वाट, किलोवाट को वाट में बदल लो तो 5000 वाट आउटपुट पावर है 5000 वाट, 1000 आरपीएम, एन बराबर क्या है, या एन तुल्यकालिक गति भी कह सकते हैं, एनएस बराबर क्या है 1000 आरपीएम, या एन ही रहने दो, एन कितनी है 1000 आरपीएम, आईएल क्या है 12 एम्पियर, आईएल बराबर है 12 एम्पियर, तो टॉर्क क्या होगा, टी बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखो अपना सूत्र क्या है, कि सूत्र है इससे संबंधित कि W बराबर होता है 2π Tn/60, यानी 2π Tn/60, यदि T ज्ञात करना है तो T बराबर यानी टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, W×60/2πn, यही रहेगा T बराबर W×60/2πn। अब देखो W क्या है 5000, 60/2π का मान हो गया 3.14 और n हो गया 1000, तो कितना हो गया 30, 300/6.28, और 300 में 6.28 का भाग लगाएंगे तो आ रहा है 47.7 समथिंग, तो 47.73। अब क्या है टॉर्क है किसमें आएगा, न्यूटन मीटर में, तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा 47.73 न्यूटन मीटर, तो किसमें, ए ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, तार स्ट्रिपर का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तार स्ट्रिपर यानी वायर स्ट्रिपर का प्रयोग क्यों करते हैं, तार के बाहरी विद्युत रोधन वस्तु हटाने के लिए, तार के टुकड़े करने के लिए, तार को पकड़ने के लिए, तार को मोड़ने के लिए। तो देखो तार के बाहरी इंसुलेशन हटाने के लिए वायर स्ट्रिपर का प्रयोग किया जाता है, तार के टुकड़े करने के लिए साइड कटिंग या व्यास कटिंग प्लायर कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, पकड़ने के लिए प्लायर का, और मोड़ने के लिए भी कॉम्बिनेशन प्लायर का ही प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायर स्ट्रिपर का पूछा है तो तार के बाहरी विद्युत रोधन वस्तुओं को हटाने के लिए, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चेतावनी यानी सावधानी के प्रतीक का आकार कौन सा होता है, यानी चेतावनी जो चिन्ह होते हैं उसका आकार क्या होता है, सावधानी या चेतावनी जो चिन्ह है वो त्रिकोणीय होते हैं, यानी देखो चार प्रकार के होते हैं, आवश्यक या सकारात्मक, इनकी आकृति गोल होती है, आवश्यक या सकारात्मक की आकृति गोल होती है, सूचनात्मक ये वर्गाकार होते हैं यानी चौकोर होते हैं, और निषेधात्मक ये भी इनकी आकृति भी गोल होती है परंतु इनके बीच में एक क्रॉस होता है यानी एक आड़ी लाइन होती है, और चेतावनी ये त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अश्व शक्ति
की गणना इस सिद्धांत से की जाती है, यानी शक्ति की गणना की जाती है, तो शक्ति बराबर क्या आता है, W बटा टी, यानी शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, किया गया कार्य बटा लिया गया समय, तो P बराबर होता है W बटा टी। W का आशय क्या हो गया, किया गया कार्य, और T समय, लिया गया समय, तो राइट आंसर क्या हो गया, संपन्न कार्य बटा लिया गया समय, किसमें, ए ऑप्शन है ना, ए ही सही है, तो संपन्न कार्य बटा लिया गया समय। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी संट मोटर का क्षेत्र खुल जाए तो क्या होगा, डीसी संट मोटर का क्षेत्र खुल जाए तो क्या होगा। देखो संट मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग समांतर क्रम में रहती है, तो मान लो आर्मेचर, आर्मेचर के समांतर क्रम में संट फील्ड वाइंडिंग, यह हो गई डीसी संट मोटर। यदि कह रहा है कि संट वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए या खुल जाए तो क्या होगा, अब संट वाइंडिंग ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर केवल अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा फील्ड के अंदर, यानी बहुत कम या नगण्य चुंबकत्व रहेगा, तो मोटर की गति बहुत ज़्यादा उच्च हो जाएगी, क्योंकि मोटर की गति एन समानुपाती एक बट्टा फाई, यानी फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, और एन समानुपाती ई बी के समानुपाती होती है, तो ये जो ही फ्लक्स का मान कम हो जाएगा तो गति उच्च हो जाएगी, तो मोटर की गति बहुत तेज या बहुत ज़्यादा उच्च हो जाएगी, तो किस ऑप्शन में, देखो मोटर की गति ए में, देखो क्या मोटर की गति कम हो जाएगी, नहीं, ये पहले की तरह सामान्य गति पर चलेगी, नहीं, मोटर की गति अचानक तेज होकर स्वयं को ध्वस्त कर सकती है, सही, आर्मेचर का करंट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, मोटर की गति अचानक तेज होकर स्वयं को ध्वस्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, 6 पोल पर 960 आरपीएम की वास्तविक गति से 50 हर्ट्ज के गुणन सहित एक इंडक्शन मोटर की शिल्प प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर, छह पोल, पी बराबर है, पोलों की संख्या है 6, और मोटर की वास्तविक गति है, यानी रोटर गति है एन आर बराबर है 960 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, एफ बराबर दे रखा है 50 हर्ट्ज, ज्ञात क्या करना है, एस ज्ञात करना है, एस प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो देखो यदि एस ज्ञात करना हो तो एस बराबर, एस प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बट्टा एन एस इंटू 100। अब देखो एन एस हमें देर रखा नहीं है, एन एस पहले ज्ञात करना होगा, तो एन एस बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र पहले भी देखो आया था इसी में एक बार, कि एफ बराबर होता है पी एन बट्टा 120, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा एफ इंटू 120 बट्टा पी, यह हो जाएगा तुल्यकालिक गति एन एस बराबर, तो एन एस बराबर एफ इंटू 120 बट्टा पी, एफ का मान क्या है 50, 120 बट्टा पोल कितने हैं 6, कितना हो गया 1000 आरपीएम, तो एन एस का मान कितना है 1000 आरपीएम। अब एस ज्ञात कर सकते हैं, एस बराबर एस प्रतिशत में एन एस कितना है 1000 माइनस 960 बट्टा 1000 इंटू 100 कितना हो गया 40 इंटू 100 बट्टा 1000 तो 4%, तो इस मोटर की शिल्प कितनी होगी 4%। तो ये था जेएमआरसी का, यानी इसमें टोटल 65% ही थे जेएमआरसी में, बाकी वो हिंदी और इंग्लिश और अलग थे राजस्थान जीके से संबंधित थे, तो
इनका मैंने आपको हल करवाया।